घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। भारत के कैलाश और पाकिस्तान की मलाला को शांति का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पाने वाले आठवें भारतीय बने सत्यार्थी। और महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार। ओपिनियन पोल के बाद मोदी बनाम बाकी दलों की लड़ाई तेज। आठवें भारतीय कैलाश सत्यार्थी बने जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला, पुरस्कार मिला। इससे पहले शांति के लिए मदर टेरेसा को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के कुछ जो ओपिनियन पोल्स आए, इस ओपिनियन पोल के बाद एक बात साफ साफ दिख रहा है कि इस वक्त जो पोल लोकसभा के जो चुनाव थे 2014, वहां पे मोदी वर्सेस ऑल था, और इस बार भी महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी स्थिति लगभग मोदी बनाम अन्य जो दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे मनसे हो, चाहे आईएनएलडी हो, कई सवाल हैं। क्या मोदी भाजपा की सरकार इन राज्यों में बनवा पाएंगे जो 2014 में केंद्र की सरकार बनी, उस तर्ज पे कुछ ऐसा मोदी कर पाएंगे? अगर भाजपा जीत होती है भाजपा की, तो क्या जो अन्य दल हैं वो बीजेपी को आने वाले समय में इकट्ठा मिलकर बीजेपी से चुनाव करेंगे? क्या वो तमाम राजनीतिक दलों को एक बार इकट्ठा कर देंगे? क्या कांग्रेस पार्टी 10 साल से हरियाणा में और 15 साल से महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी को लगातार राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी प्रचार कर रही हैं, कांग्रेस के अन्य नेता भी प्रचार कर रहे हैं, क्या वो नेता, ये नेता कांग्रेस पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी से या जो कांग्रेस की स्थिति है उसमें वो सुधार ला पाएंगे? कई सारे अन्य सवाल भी हैं कि सेना का क्या होगा, एनसीपी का क्या होगा, ये तमाम सवाल है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि नरेंद्र मोदी भाजपा को इन दोनों राज्यों में जीत दिला पाएंगे? ओपिनियन पोल की माने तो सर्वे कुछ संकेत अगर देते हैं तो उसमें तो 288 सीटों में से एक सर्वेक्षण के मुताबिक बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों को 154 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि इन तमाम ओपिनियन पोल में, एग्जिट पोल में तमाम तरह की खामियां और तमाम तरह के इस पर सवाल उठे, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा सवाल ये ज़रूर होगा जो हमने पहले उठाए। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने आज जो प्रचार किए उसमें क्या क्या बात उन्होंने कही है। सबसे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट पर उन्होंने क्या कहा, ये सुने। मैं दिल्ली में बैठ करके भी गरीबों के लिए जीना चाहता हूं, गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूं। आप महाराष्ट्र में ऐसी सरकार बनाइए जो सरकार पूर्ण बहुमत वाली हो, भाजपा की सरकार हो, गरीबों के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सरकार हो। गला बैठा हुआ है, लेकिन वो खड़े होकर लगातार प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पे क्या कहा उन्होंने? अब इस देश में कांग्रेस पार्टी दोबारा जीवित होने की संभावना नहीं है। अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता है। कांग्रेस अपने पापों से मर रही है, अपने पापों से मर रही है। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को क्या नहीं दिया? 60-60 साल तक सत्ता दी, गरीबी के नाम पर वोट लिए, लेकिन कभी गरीबों का भला नहीं किया। 550 परिवार है बस, उन परिवारों ने मलाई खाई है, उन परिवारों ने मजा लिया है। भाइयों बहनों,
ये परिवारवाद में से महाराष्ट्र को मुक्त कराओ, ये भाई भतीजावाद में से मुक्त कराओ। गरीब तक नहीं रुके, सत्ता तक नहीं रुके, कांग्रेस पे हमला करने तक उन्होंने किसान और पानी दोनों पे उन्होंने को लेकर उन्होंने कांग्रेस पे हमला बोला। किसान को क्या चाहिए? क्या किसान अपने लिए गाड़ी मांगता है? क्या क्या किसान अपने लिए बंगले मांगता है? क्या किसान को सिर्फ चाहिए पानी? अगर किसान को पानी मिल जाए तो किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर देता है। किसानों की आत्महत्या पर भी मोदी ने कांग्रेस को घेरा। यहां के फल सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, यहां के संतरे विश्व ने उसकी उत्तम गुणवत्ता की बात कही है, लेकिन संतरे का रस तो सारी दुनिया को अच्छा लगता है, लेकिन मेरे किसान को संतरे का रस नहीं, जहर पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जो दुनिया को संतरे का रस पिलाता है वो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। भाई बहनों, यहां का किसान कपास पैदा करता है। और नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के बयानबाजी पर भी निशाना साधा। क्या कहा खुद देखे। आजकल कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की सीमा पर जो हो रहा है उसके लिए बयानबाजी कर रही है। यह समय बयानबाजी की बोली का नहीं, समय जवान की गोली का है। ये बयानबाजों की बोली चलने वाली नहीं है, जवानों की गोली चलने वाली है। और जवाब दे रहे थे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी रैलियों का। क्या कह रहे थे मोदी पे उन्होंने 10 अक्टूबर को उन्होंने क्या कहा, उस पे जो कहा वो आपको हम दिखाते हैं। यहां प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भैया महाराष्ट्र को मैं गुजरात बना दूंगा। उनको शायद ये नहीं मालूम कि महाराष्ट्र गुजरात से आगे निकला हुआ है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान और चीन को लेकर भी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पे हमला बोला। मोदी जी कहते हैं 60 साल से कुछ नहीं हुआ, मैं करके दिखाऊंगा, पाकिस्तान को मैं दिखाऊंगा, चीन को मैं दिखाऊंगा। हर भाषण में चीन को मैं दिखाऊंगा। और फिर समय आया, चीन के राष्ट्रपति आए हिंदुस्तान में और इतिहास में पहली बार, पहले कभी नहीं हुआ, एक तरफ मोदी जी झूला झूल रहे हैं चीन के राष्ट्रपति के साथ और दूसरी तरफ चीन की सेना लद्दाख के अंदर बैठी हुई है, बातचीत हो रही है। और उधर उनकी सेना हमारे देश के अंदर बैठी हुई है। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, राष्ट्रपति हिंदुस्तान में, सेना हिंदुस्तान में और प्रधानमंत्री शांत। इमेज खराब हो जाएगी भैया,
मार्केटिंग खराब हो जाएगी। पाकिस्तान बॉर्डर पे, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे भी जो फायरिंग, उसको लेके क्या कहा राहुल गांधी, वो भी आपको हम दिखाते हैं। पाकिस्तान के बारे में बात करते थे भैया, पाकिस्तान को मैं दिखाऊंगा। फायरिंग चल रही है, उधर से गोली चल रही है, हमारे जवान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। 10 साल में ऐसी फायरिंग पहली बार हुई है। पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अब कहते हैं जल्दी ठीक हो जाएगा। पहले अच्छे दिन आएंगे, अब जल्दी ठीक हो जाएगा। प्याज के दाम बढ़े, जल्दी ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान ने फायरिंग की, जल्दी ठीक हो जाएगा। चीन की आर्मी आई, जल्दी ठीक हो जाएगा। दवाई के दाम बढ़े उसको भी लेके राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अमेरिका के उद्योगपति आए, मीटिंग हुई, बंद कमरे में पहले मीटिंग हुई, जाने से पहले मीटिंग हुई, और उनके उद्योगपतियों ने कहा देखिए हमें हिंदुस्तान में अपनी दवाई बेचनी है, आप यहां पे दवाइयों के दाम को रिस्ट्रिक्ट करते हो, ये जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है इसको आप हटा दीजिए। मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, अखबार में नहीं आया, बंद कमरे में कागज साइन हुआ, और जो आपको 8,000 रुपए में कैंसर की दवाई मिलती थी पहले, आज आपको 1,00,000 रुपए में मिलती है। और पैसा किसका है भैया, मैं आपको बताता हूं, आपके जेब में से पैसा निकला और अमेरिका के बड़े उद्योगपति के जेब में गया। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, इन चीजों की दवाई, आपके जेब में से पैसा निकाला गया और सीधा अमेरिका के बड़े उद्योगपति के पैसे में के जेब में गया। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे भाषण के अंश हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है, उतना नहीं। आपने भाषण देखा होगा, लेकिन हमारे साथ पैनल, हमारे साथ हैं हरिकेश बहादुर जी, वरिष्ठ राजनेता हैं, और सुनीत चोपड़ा से हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं, सीपीएम के नेता हैं, आनंद कुमार साहू साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, आलोक शर्मा साहब हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और दो वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र धर्मानी जी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को शुरू करें, एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक के बाद ही इस चर्चा की शुरुआत हो तो बेहतर होगा। छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटते हैं। और एक बार फिर से स्वागत है, और चर्चा की शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंद कुमार साहू जी से। साहू जी, इसलिए आपसे सवाल कि राहुल गांधी ने कई सारे सवाल उठाए। सबसे अहम सवाल उन्होंने कहा 8,000 की दवाई 1,00,000 में मिल रही है, और ये 8,000 और 1,00,000 में, मैंने ये 2-4 हज़ार का नहीं, उन्होंने कहा कि पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे और अब कहते हैं जल्दी सब ठीक हो जाएगा। पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे, प्याज का दाम बढ़ गया तो आपको जल्दी ठीक हो जाएगा। पहले आप चीन को चुनौती पाकिस्तान को देते थे, अब घुसपैठ और बातचीत साथ साथ हो रही है। तो कई तरह के उन्होंने हमले किए, क्या जवाब देंगे आप? सबसे सटीक और एक लाइन का जवाब है कि माननीय राहुल गांधी जी आ गए हैं जी,
और चुनाव में वो रैलियां कर रहे हैं, इससे साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह आसानी से बनने जा रही है। समझ में नहीं आया, हमारे दर्शक को जरा समझाएं इसलिए बोल क्या रहा कह रहे हैं आप कि जब तक राहुल गांधी जी नहीं आए थे तब तक शायद कोई तरह का संशय था, लेकिन अब राहुल गांधी जी आ गए हैं, ऐसी ऐसी अनाप शनाप बातें करेंगे जिसका लोग जो है कोई उसका मीनिंग नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है जी, और बेबुनियाद आरोप लगाएंगे तो सरकार तो लाजमी है बहुत आसानी से बनने वाली है सरकार। अब आप कह रहे राहुल गांधी नहीं आए थे तो शायद लोग कह रहे थे कि भाई कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोल दिए कि अब राहुल बाबा आ गए हैं, हमारी सरकार पक्की बन रही है हरियाणा और महाराष्ट्र में, क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं जो जनता को समझ में नहीं आती है। आपको ये बात समझ में नहीं आई जो बात वो कह रहे हैं? जो जो सरकार कर रही है वो जनता को समझ में आ रही है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार जब चाइना गए, ये जापान गए तो किस प्रकार दुनिया के देशों में किस प्रकार का चर्चा हुआ, चाइना के राष्ट्रपति जब आए भारत तब कैसे चर्चा हुआ, और चाइनीज के जितने भी उद्योगपति थे यहाँ जो आए थे उनसे भी किस प्रकार की क्या बात हुई, और अमेरिका जब गए भारत के प्रधानमंत्री तब क्या हुआ वो पूरा देश के जनता को पता है, खुला लाइव सारा चीज टेलीकास्ट हो रहा था जी। और दुनिया के नजरों में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को तो जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं उसका आप ये कहने जी। दूसरी एक बात कह रहा हूँ, गर्व के साथ कह रहा हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह से सम्मान के साथ हमारे जो वो तो ठीक है, लेकिन जो बात राहुल मिला बात जिन बातों को इनके जो मौनी बाबा थे हमारे प्रधानमंत्री जो पूर्व में थे वो उनके आवाज सुनने के लिए जनता तरसती थी। वो तो ठीक है आनंद साहू जी, तो सवाल है ऐसा एक अग्रणी देश बनने वाला है जी, जो देश ही नहीं दुनिया के उद्योगपतियों को यहाँ मेक इन इंडिया का नारा दिया ठीक और बहुत सारा काम किया। वो अब राहुल बाबा अपने सरकार के टाइम में तो कुछ कर नहीं पाए, अब सरकार अच्छे काम कर रही है तो बेबुनियादी आरोप लगा करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं, सरकार को मालूम है। चलिए बहुत अच्छा, जो अहम सवाल आलोक जी स्वाभाविक रूप से आपके पास आना पड़ेगा, जो बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा गरीब के लिए कुछ कर रही है, वो गरीब के का वो गरीब परिवार से आते हैं, गरीबों के वो जानते हैं गरीबी क्या होता है। उन्होंने कहा कि 60 साल से कांग्रेस को क्या नहीं देश ने दिया, सत्ता दिया 60 साल तक, गरीबी के बारे में आप बात करते रहे, गरीबी जो कि त्यों है, परिवारों ने मलाई खाए हैं, सत्ता का आनंद लिया है, सत्ता को आपने भोगा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो आप जिस तरह के किसान की स्थिति जो है वो जो लोग संतरा उगाते हैं वो आत्महत्या वो रस नहीं पीते हैं, वो जहर उनको पीना पड़ता है। उन्होंने किसानों को कोई बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, उन्हें तो सिंपल सा पानी चाहिए ताकि वो किसान अपनी खेती कर सके। और जिस तरह से इसके बावजूद जो भी बात इसके आपने तमाम बातों को सुना, राहुल गांधी के बारे में जो आनंद जी कह रहे थे उस पर नहीं मैं चाहूँगा, जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे उस पर आप जवाब दें। देखिए नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, पाकिस्तान और तमाम इश्यूज जिनके ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा उनको सबको साइड में रख कर फिर भी घंटों बोल सकते हैं और बहुत अच्छा भाषण देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुद्दे की बात करनी नहीं होती है, लफाजी करनी होती है। उन्होंने केवल संतरे तक की बात की, संतरे की बर्फी की बात क्यों नहीं की मुझे समझ नहीं आया, उनको संतरे की बर्फी की भी बात करनी चाहिए थी क्योंकि उनके पास मुद्दे कोई है नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुद्दा विहीन है, इशू विहीन है, नेता विहीन है, दिशा विहीन है और कार्यकर्ता विहीन है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, आप मुद्दों पर बात कीजिए ना, और वही हाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं का हो गया है। उनसे पूछा गया कि भैया ड्रग्स की बात बताइए आप, तो पता नहीं कहां पहुंच गए, बताइए ना आपने क्या ड्रग्स प्राइस कंट्रोल कमीशन जो था उसके पर कतरे के नहीं कतरे, आप बताइए देश की जनता को, क्या महंगी होंगी कि नहीं होंगी आप बताइए जनता को। आप चाहे झूठी बोलिए आदतन जैसी आपकी आदत तो है, साहू जी रही है, हम साहू जी आपको जब मौका मिला था इसी प्रश्न पर आप नहीं बांटने वाले कर दिया है और दिलीप जी ने आपको प्रश्न दो बार आप नहीं बोले शांत देने वाले साहू जी आपके पास भी आएंगे लौट के जी ठीक है सर। देखिए अभी इनको जब मौका मिला तो नहीं बोले, यही हाल पूरी भाजपा का हो गया है, कोई किसी मुद्दे पर बात करके राजी नहीं है। आप जाते हैं तो हरियाणा में झूठ बोलने लगते हैं, आप मेडिसिन स्क्वायर पे जाते हैं तो कहते हैं साहब 4 करोड़ कनेक्शन हो गए, उसके जनधन योजना में वो खुल गए हैं, अकाउंट खुल गए, अरे 4 ही करोड़ क्यों कहा, यहाँ तो कुछ भी झूठ बोलने पर टैक्स ही नहीं है हिंदुस्तान में, आप 8 करोड़ क्यों नहीं कहा आपने।
आप सच्चाई पर आइए। आप रॉबर्ट वाड्रा पर झूठ बोलते हैं, आप जिस मुद्दे को लेकर चले उन तमाम मुद्दों पर आपके पास कोई तथ्य नहीं है। अब वो कह रहे हैं मैं गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूं, गला बैठ गया बोलते बोलते उनका। पिछले 4 महीने में क्या किया आपने? महंगाई के लिए आपने पहला भाषण सुनिया पार्लियामेंट में, क्या दिया था आपने कि मैं गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूं, ये देश में गरीबों की भलाई हो। आते ही डीजल के प्राइस बढ़ा दिए, रेल के भाड़े बढ़ा दिए आपने। आपके मंत्रियों ने, तमाम कैबिनेट स्तर के मंत्रियों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं। 5 बार पेट्रोल के दाम 3 बार कम, 7 रुपया पेट्रोल के दाम घट गए। इंटरनेशनल मार्केट में जितने घटे उसके अकॉर्डिंग अभी भी नहीं घटे। वापस आता हूं मुद्दे पर। आपने मर जवान और मर किसान का नारा दिया, 4 महीने हो गए, 1 रैंक 1 पेंशन की फाइल आपकी टेबल पे पड़ी, आप साइन नहीं कर रहे हैं। आपने मर किसान का नारा दिया, 1000 करोड़ रुपए का झुंझुना थमा के पानी पहुंचा देंगे खेत खेत तक, एक एक बूंद पहुंच जाएगी। आज आप फिर वही झुंझुना लेके आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई, आपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के 350% प्राइस बढ़ा दिया हरियाणा और महाराष्ट्र में। आप कॉटन की बात करते हैं, कॉटन में सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड यूज होता है। आपने केवल और केवल छला है। क्या आपने कहा था कि अच्छे दिन तब आएंगे जब हरियाणा में भी हमारी सरकार होगी? आज आप जाकर वहां विभिन्न विभिन्न मुद्राओं में कह रहे हैं मेरा सिपाही भी मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं पड़ोस में बैठा हूं। अरे आप प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री की हैसियत से बात कीजिए ना। आपने 4 महीने में क्या कहा है? आज आप भाषण दे रहे हैं, बहुत सारे बैरियर खड़े हो जाएंगे। आपने अच्छे दिन के लिए पहले तो बैरियरों की बात नहीं की थी। आप अभी भी आज भी चुनावी लफाजी करते चले जा रहे हैं। तो इन 4 परिवारों ने ऐसा कर दिया है, अरे भाई आप एक्शन क्यों नहीं लेते? 4 महीने से बैठे आप दामाद श्री पुस्तक निकालते हैं, उसके बाद अपने घर में जाकर छुप जाते हैं। आलोक जी, आप बिहार पर चुनाव लड़ते हैं, आलोक जी और आनंद जी, आलोक जी और आनंद जी दोनों से निवेदन है कि जरा तीसरे जो हमारे साथ हैं, सबसे पहले पुष्पेंद्र, आपने प्रधानमंत्री जी को भी सुना, आपने राहुल गांधी को भी सुना, सवाल भाषण है, भाषण दे रहे हैं, अपनी अपनी पक्ष अपने पक्ष को रख रहे हैं। सवाल है जनता के सामने जो मुद्दे आ रहे हैं, क्या लगता है कौन ज्यादा कन्विंसिंग थे, किनको ज्यादा यकीन होगा, किन नेताओं पर यकीन होगा? देखिए, मुझे याद है कि लोकसभा के चुनाव के समय भी इस किस्म की बातें हुई थी कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो लोगों को सिर्फ लफाजी करते हैं और उनके सामने झूठ बोलते हैं और किस तरीके से गुमराह करते हैं और ही इज ए ड्रीम सेलर, और ये तमाम सारी बातें हुई थी। और इसमें पार्टी के लाइन से अगर हटके अगर बात करें तो हो सकता है बीजेपी वाले अपनी बात कहें और कांग्रेस वाले अपनी बात कहें, लेकिन अल्टीमेटली जो जज थी जनता, उसने किसकी बात पे यकीन किया और किसकी बात पे यकीन नहीं किया, इसका रिजल्ट सबके सामने है। अब अगर एक रिजल्ट सबके सामने है और आज भी करीब करीब अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हो रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की सिवाय उनके नाम के आगे जुड़ गया है कि वो प्रधानमंत्री हो गए हैं, उनकी शैली में कोई फर्क नहीं है, उनका कनेक्ट में कोई फर्क नहीं है। वो लोकल मुद्दे जहां उठाना चाहते हैं वो उठा रहे हैं, उसमें कोई कनेक्ट नहीं है। जो इश्यूज वो उठा रहे हैं, जिन बातों को लेकर कांग्रेस को वो घेर रहे हैं और जिन बातों पे कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं, जिन बातों को, देखिए बात यह है कि मैंने वही कहा कि बीजेपी के लोगों को हक है कि वो कांग्रेस पे हमला करें और कांग्रेस वालों को पूरा हक है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में उस पर सवाल उठाएं, मेरा सवाल ये नहीं है। लेकिन जब आप सवाल उठा रहे हो तो जो सामने लोग बैठे हो उनको ये लगे कि आपने सवाल उठाया है और बड़ा कन्विंसिंग है और लिहाजा इस मुद्दे पे वो उनके साथ हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा कि इन सवाल के बावजूद भी क्या लोग, क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, तो मैं देखिए ना बीजेपी की बात कर रहा ना कांग्रेस की कह रहा, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं, जिस अंदाज में कह रहे हैं, अगर वो ड्रीम सेलर भी हैं तो बेहतरीन ड्रीम सेलर हैं, अगर वो बात कहने का उनका कनेक्ट है तो वो बेहतरीन कनेक्ट है। अगर राहुल गांधी के सामने 5-7 बड़े मुद्दे थे लेकिन प्रेजेंटेशन इतना कमजोर है उनका कि वो बात कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वो महंगाई के बारे में नहीं पूछ रहे जैसे नरेंद्र मोदी कहते थे महंगाई बढ़ी महंगाई घटी महंगाई रुकी बेरोजगारों को रोजगार, उस अंदाज में नहीं पूछ पा रहे। लिहाजा कनेक्ट, मैं वही कह रहा हूं कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट नहीं है, सत्य है, मुद्दा भी है राहुल के पास लेकिन राहुल कन्विंसिंग नहीं दिख रहे हैं। चलिए धर्मानी साहब, राहुल कन्विंसिंग नहीं दिख रहे हैं, मोदी कन्विंसिंग दिख रहे हैं? देखिए मुझे ये लगता है बात जो पुष्पेंद्र जी ने कही है वो उससे थोड़ा सा मैं आगे बात अगर करूं, अगर आपने जो बात कही कि इस चुनाव में ये सच्चाई है कि मोदी एक अपने आप में फैक्टर बन गए हैं, जैसे मुझे आप ये कह रहे हैं कि जो असल मुद्दा ही नरेंद्र मोदी है, मुझे ये चुनाव में भी, मैं इसका कारण बताता हूं आपको कि जिस प्रकार अगर आप देखें ये दोनों चुनाव, पहली बार दोनों प्रदेशों में ये पहला मौका है वहां के मतदाता के पास
कि वो कांग्रेस को छोड़कर जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी दूसरी किसी राष्ट्रीय पार्टी को चुन सकता है। इससे पहले वहां पर आप अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा जब से बना आज तक कांग्रेस के अतिरिक्त गठबंधन की सरकारें थी, बीजेपी की एग्जिस्टेंस वहां नहीं थी सिवाय इसके कि वो किसी ना किसी रीजनल पार्टी से मिलकर चले। महाराष्ट्र में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही लेकिन वहां पे अगर कांग्रेस रिप्लेस हुई तो वहां पे बीजेपी और गठबंधन, बीजेपी का गठबंधन चला। यह पहला मौका है कि दोनों राष्ट्रीय दल एक दूसरे के सामने हैं। अब स्थिति इतना फर्क जरूर है कि जिस प्रकार अगर शुरू के हम दौर में बात करें जैसे इंदिरा गांधी का समय था तो इंदिरा गांधी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी, वो चुनाव अपने दम पर ही जिताकर ले जाती थी। इसी तरह की स्थिति मुझे नजर आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि अब स्थिति फिर वही वही आ रही है और मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी जो है, बीजेपी का जो नेता है वो एक तरीके से फैक्टर बन गया है और मोदी वर्सेस ऑल हो गया है। ये इस वक्त जो लड़ाई है अब है। अब वो राहुल गांधी के साथ शिवसेना के नेता भी, एनसीपी के नेता भी, अन्य पार्टियों के नेता के लिए भी नरेंद्र मोदी ही मुद्दा है। और आप ये मान के चलिए कि मोदी को आप आज की डेट में जो मोदी कह रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी सबसे हाई है। इस देश का युवा, इस देश की जनता उनकी कही बात पर आज विश्वास कर रहा है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि देश की जो सियासी लैंडस्केप है वो बदल चुका है, बदलने वाला है। बिल्कुल, मुझे लगता है। हरिकेश जी, आपने देश के तमाम राजनीतिक लैंडस्केप को बदलते हुए देखा है, वो दौर भी देखा है जिस दौर की बात धर्मानी साहब कर रहे हैं। क्या वाकई पॉलिटिकल लैंडस्केप बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको? सुनील चोपड़ा जी से पूछ लिए पहले, तब हम नहीं, आपसे पहले पूछते हैं फिर सुनील चोपड़ा जी के पास आएंगे कि क्या वाकई सुनील जी को सुनना चाहते हैं। चलिए सुनील जी, जी मैं यही सवाल आपसे पूछता हूं कि वाकई लैंडस्केप क्या बदल रहा है जो धर्मानी जी कह रहे हैं, जो पुष्प अभी चंद दिन पहले जी चंद्र ग्रहण था, राहु गया केतु आया, केतु गया राहु आया, लैंडस्केप उससे नहीं बदलता, सिर्फ चंद्रमा लाल हो जाता है जी। तो मेरा ये कहना लाल, लाल से लाल, आपको चलिए लाल नहीं है, अब केसरिया हो गया है, तो लाल रंग अभी और लेके जाएंगे। सुनील चोपड़ा जी को कंप्लीट करें जी। तो मेरी जो समझ है वो ये है कि आज जो परिस्थिति पैदा हुई है उसमें लोग परेशान हैं, उनको ना पानी मिल रहा है ना बिजली मिल रही है। मैं तो अभी उत्तर प्रदेश से आया हूं और मैं देख रहा हूं हरियाणा, मैं हरियाणा और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। हाँ, पर मैं आपको बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में जो मुख्य मुद्दे हैं वो मुद्दे दोनों की दवाई ना मोदी के पास है ना कांग्रेस के पास। लेकिन लड़ाई में तो आप है नहीं वहां पे, लड़ाई में तो वहां पे नीति तो मनमोहन सिंह की है जी। मोदी साहब की जो बजट है वो मनमोहन सिंह की बजट है। आप कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस की नीतियों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क और नहीं, आप वहां पे मौजूद नहीं है तो क्या करें? तो लड़ाई आखिर वहां तो चुनाव, तो वही मैं कह रहा हूं, इसका मेरी समझ में नतीजा यही होगा कि क्षेत्रीय ताकत और क्षेत्रीय विश्वास जी वो जिस भी कैंडिडेट का होगा वो जीतेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपका समर्थन जो है महाराष्ट्र में शिवसेना और एमएनएस को है? हमारा समर्थन क्षेत्र की बात कही ना, और हरियाणा में आरएनएलडी, एनसीपी भी क्षेत्रीय पार्टी ही है। चलिए हरिकेश जी, जो मेरा सवाल था मैं आपके पास, आपने सुन लिया, और सुनील चोपड़ा जी को मेरा सवाल ये है कि क्या क्या जो स्थिति, जो सर्वेज आ रहे हैं, जिस तरह के ओपिनियन पोल किए जा रहे हैं, हालांकि इन ओपिनियन पोल पे सब लोग जानते हैं कि देश कितना भरोसा कर सकता है, लेकिन फिर भी जब चर्चाएं होगी, बहस होती है, तो कई सारे इस तरह के जो पक्ष है उसको रखे जाते हैं, और जाहिर है उसी के क्या वाकई ये जो सर्वेज हैं, ये जो स्थितियां हैं, 15 साल महाराष्ट्र में कांग्रेस है, 10 साल से हरियाणा में कांग्रेस सरकार को लीड कर रही है, और जिस आक्रामकता से नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पे हमला बोल रहे हैं, जो बात आलोक जी कह रहे हैं कि जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी मुद्दे, इन चीजों से क्या निकलता हुआ क्या नजर आ रहा है आपको कुल मिलाकर? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि जब कोई भी सरकार बनती है चुनाव के बाद, तो आमतौर से एक स्थिति रही है देश के अंदर कि लोग सोचते हैं कि 6 महीने इसका काम देखा जाए, फिर उसके बाद इस पर कोई खास टिप्पणी की जाए जी।
लेकिन अचानक कुछ ऐसी स्थितियां बनी हैं कि सरकार बनने के कुछ ही दिन के अंदर तरह तरह की बातें एक साथ शुरू हुई हैं जी, और उसमें जो चुनाव आ गए हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के, इनकी वजह से सरकार के कामों की समीक्षा सारी पार्टियां अपने अपने ढंग से कर रही हैं। ये बात सही है कि जो भी देश की स्थिति थी है, पहले जो भी थी आज जो है, उसके लिए किसी नई सरकार को तुरंत बहुत ज़्यादा जिम्मेदार आप नहीं ठहरा सकते। उसकी वजह यह है कि उसको कुछ टाइम देना पड़ेगा, उसकी सारी गतिविधियों को स्टडी करना पड़ेगा। एक सवाल जो अभी दवाओं वाला उठा है बीच में जी, इसके बारे में मैं भी चाहूँगा, क्योंकि मैंने अखबार में इसको पढ़ा जी दो दिन पहले, और इसमें आया कि कुछ दवाओं की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ेंगी इसकी वजह से जो नई नीति बन रही है। तो मैं पहले तो चाहूँगा कि सरकार उस नीति पर जरूर पुनर्विचार करे, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं, प्रधानमंत्री बार बार एक बात कहते हैं कि वो गरीबों के हित के लिए काम करेंगे, अभी वो उनका भाषण जो आपने सुनाया उसमें भी उन्होंने कहा जी। तो उसको दृष्टि में रख करके ये विचार करने की जरूरत है कि क्या गरीबों को अगर दवाओं की कीमत बढ़ेगी तो उससे उनको क्या फायदा होगा, उससे उनको नुकसान ही होगा, उनके सामने तमाम परेशानी आएगी जी। तो इसलिए दवाओं की नीति पर एक बार सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, अगर कोई चेंज हुआ है तो। अभी मैं उसके बारे में बहुत ऑथेंटिक रूप से नहीं कह सकता कि क्या स्थिति है, लेकिन जो बातें खबरें आई हैं उसमें मैं एक बार जरूर कहना चाहूँगा। दूसरी बात मैं एक बात कहूँगा कि जो कांग्रेस की सरकारें थीं, जैसा कि आपने कहा कि 15 साल से एक गठबंधन की सरकार एनसीपी और कांग्रेस की महाराष्ट्र में चल रही थी, 10 साल से यहाँ पर हरियाणा में चल रही थी, तो एंटी इनकम्बेंसी का मामला तो जरूर आएगा जी। अब उसका क्या नतीजा होगा इसको अभी हम, और किस आधार पे क्या नतीजा होगा उसके आधार क्या होगा, ओपिनियन पोल जो आया है जी, उसको दृष्टि में रख करके मैं कह सकता हूँ कि पिछले तमाम ओपिनियन पोल्स जो आए थे उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी रही, कभी सही कभी गलत, ये दोनों होते रहे जी। लेकिन कुछ ओपिनियन पोल बहुत सही भी हुए, कुछ ओपिनियन पोल बहुत गलत हुए। अभी लोकसभा चुनाव में जो ओपिनियन पोल आया था जी, उसमें किसी भी ओपिनियन पोल ने ये नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत मिल जाएगा। यदि कुछ लोग कहते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आपस की बातचीत में कहते थे, ओपिनियन पोल्स ने ये बात नहीं कहा था जी। लेकिन एक एक फैक्टर ये भी है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कुछ बुनियादी डिफरेंसेज होते हैं जी। मैं खुद 5 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं, मैंने देखा है कि लोकसभा के चुनाव में कम से कम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 90% वोट नेशनल लीडर, नेशनल पार्टी और नेशनल इश्यूज पर पोल हो जाते हैं। इस लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति देखने को मिली जी। ज्यादातर लोग लोकसभा के चुनाव में नेशनल इश्यूज को इशू बनाते हैं और उसके दृष्टि से नेशनल पार्टी और नेशनल लीडर की तरफ देखते हैं। तो उसका फायदा, जो परिस्थितियां थी देश में, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और काफी बड़ी संख्या में, माने बहुमत 30 वर्ष के बाद, करीब 30 वर्ष के बाद एक पार्टी की बहुमत की सरकार लोकसभा में बनी। लेकिन अब विधानसभा में एक्चुअली क्या स्थिति होगी, विधानसभा में क्या स्थिति होगी, यही सवाल है, लोकल यही सवाल है, यही सवाल है एग्जैक्टली। लोकल फैक्टर्स इसमें बहुत काम करते हैं, फैक्टर्स, और वहां पर जो सिंचाई वाला मामला जी खड़ा हो गया है, इसका फायदा प्रधानमंत्री के भाषण से हो सकता है उनकी पार्टी को मिले, लेकिन बहुमत तक पार्टी पहुंच पाएगी ये तो किसी ओपिनियन पोल ने कहा नहीं है जी। ये जरूर है कि उसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि कुछ बहुत ही विवादास्पद स्टेटमेंट आए हुए थे जो उस समय के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार जी। उन्होंने एक बार किसी डैम के बारे में जो बात बोला था, वो बातें सब तो चुनाव में उठ रही होंगी जी। तो निश्चित रूप से जनता उन सारी बातों, चलिए स्थानीय जो जो अब जो असल असल चीजें आ रही है, मैं एक बार में आलोक जी से फिर से फाइनली कंक्लूड कर दूं जी। लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री का गला बैठा नहीं था, अब बार बैठ गया है, चलिए विधानसभा चुनाव पड़ेगा। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा जी दिलीप जी, की ये जो बात अभी हरिकेश जी ने कही, अब अगर आप यहाँ स्थानीय मुद्दे क्या है, उस मुद्दों को क्या, उन मुद्दों पे प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जो बात, ये देखिए कि जो स्थानीय मुद्दे हैं जी, जैसे दोनों सरकारों की जो कारगुजारी है उसको लेकर उन्होंने
मतलब अगर आप दोनों भाषण जो आपने सुनाए हैं जी, उसमें अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करें चलिए, तो दोनों मुद्दों, दोनों नेताओं ने, दोनों पार्टियों के नेताओं में से अगर मोदी जी का भाषण आप देखें तो वो स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित होकर बात कर रहे हैं। ठीक ठीक है, ठीक है, आलोक जी, आलोक जी, मुद्दा वहां ये है, मैं आपके पास आता हूँ आनंद जी, मैं आपके पास आता हूँ आलोक जी। जो सवाल, जो बात एक बहुत साफ निकल कर आ रही कि लोकसभा को भूल जाए अभी जो हुआ वहां पे, लेकिन 2014 के जो विधानसभा चुनाव है वहां स्थानीय मुद्दे, क्योंकि वहां पे 15 साल महाराष्ट्र में आपने सरकार को लीड किया, 10 साल अपने हरियाणा में लीड किया है, और नरेंद्र मोदी वहां जाके जमीन पे स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं, वो वहां के किसानों की आत्महत्या को उठा रहे हैं, वो जाके वहां पे किसानों के पानी की बात उठा रहे हैं, वो जाके वहां महाराष्ट्र में विकास की बात को उठा रहे हैं, वो वहां पे जाके कह रहे हैं कि किस तरह से वहाँ कुछ परिवारों ने सत्ता में के मलाई को खाया है, तो वहाँ जो कनेक्ट है स्थानीय लोगों के साथ, स्थानीय मुद्दों के साथ, वो नरेंद्र मोदी ज़्यादा प्रभावी ढंग से स्थापित कर रहे हैं, ये कहना है धर्मानी साहब। देखिए धर्मानी साहब की सोच हो सकती है, दो तीन चीज़ें जो आई हैं सामने के मुद्दे और तथ्य जो हैं, मैं समझता हूं कि आज राहुल जी की ने जो बातें कही हैं उसमें मुद्दा भी है और तथ्य भी है, लेकिन डज इट कनेक्ट? आप पाकिस्तान फायरिंग से लेके चीन के चीज को लेके, आप क्या वो चीजें जो बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं जो बात राहुल गांधी, मेरा ये सवाल आपसे मेरा भी है कि राहुल गांधी जहां देश की बातें कर रहे हैं, मोदी पे निशाना साध रहे हैं, लेकिन वहां जो सरकार है वहां नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, हरियाणा में नरेंद्र मोदी की सरकार महाराष्ट्र में भी नहीं है, क्योंकि वहां पे राहुल गांधी को जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पे वो नरेंद्र मोदी को नहीं घेर सकते। देखिए दो चीज़ें हैं, हॉकी टीम के कप्तान है सरदार सिंह, उन्होंने एशियाड में गोल्ड मेडल लिया, लेकिन अभिनय जो था वो बहुत अच्छा शाहरुख खान ने किया, जो हॉकी की इम्प्रूवमेंट के लिए उनकी जो मूवी बनी थी उसमें शाहरुख खान ने किया, तो दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते, एक तरफ तथ्य होते हैं एक तरफ अभिनय का पुट ज़्यादा होता है। मैं समझता हूँ जैसे अभी आपने कहा एक शब्द आया एग्जिस्टेंस का, कि शायद कांग्रेस एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, बीजेपी का एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो कनेक्ट बहुत ज़्यादा है, धर्माणी साहब ने कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, फिर वो कहने जा रहे थे कि काउंटर करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, वो शायद बात आपने मैंने तो ये कहा कि रीजनल पार्टीज का एग्जिस्टेंस खत्म होता नजर आ रहा है। मैं फिर वही कहना चाहूंगा, आप, मैं चाहे कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, अभी हरियाणा में एक रीजनल पार्टी की रैली थी जिसके अंदर जितने तादाद थे उससे हम भी चिंतित हुए थे, आप ये मत सोचिए कि रीजनल पार्टी समाप्त हो जाएंगी, और शायद अगर ऐसा सोचकर भाजपा ने अहंकारवश अगर ये दोनों राज्यों में अपना गठबंधन तोड़ा है तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए जहां तक बात कनेक्ट की है, कनेक्ट जो होता है कनेक्ट और इश्यूज की, तथ्य की जो बात है, मुद्दों की जो बात है, देखिए आप मोदी जी का कोई भी भाषण उठा लीजिए, यही भाषण और यही भाषा, यही शैली और यही शब्दावली उनकी विदर्भ में पिछले भाषणों में रही है। आज देश जानना चाहता है कि आपने जो लोकसभा के समय पे भाषण दिए थे उनका क्या हुआ, उन भाषणों महाराष्ट्र में यही मतदाता यही जानना चाहते हैं, हरियाणा में यही बात लोग जानना चाहते हैं, या हरियाणा और महाराष्ट्र में वहां की सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं? बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहले आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, उसी प्रकार से आप जो है आपका भी तो गठबंधन खत्म हो गया, जिसके साथ 10 साल वहां शासन किए, 15 साल किए, यहां केंद्र में भी रहे, उसके साथ भी आपका गठबंधन टूट गया, साहू आपके पास भी आएंगे लौट के, बहुत कम समय है हमारे पास, भ्रष्टाचार का ऑलरेडी आपके ऊपर। चलिए मैं आपसे पहले आप ही से सवाल पूछ लेता हूँ, आपसे ही सवाल पूछ का मुद्दा ये सब आपके, आनंद साहू जी आपसे ही सवाल पूछ लेता हूँ सीधा, कि आप जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बात कर रहे हैं रैलियों में जाके जनता से, तो वहां पे राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, क्या उन सवालों का असर जनमानस पे, मतदाताओं पे नहीं पड़ेगा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसने क्यों वो मुद्दे नहीं है, मैं बता रहा हूँ अगर जी जिसने 60 साल लूटा है, नहीं सवाल 60 साल का होगा या 100 दिन का, वो हिसाब मांग रहे हैं, और हमारी सरकार 5 साल पूरी होने दीजिए, 60 साल के प्रधानमंत्री जी बोले हैं, क्या आप ये दूसरी बात, आनंद जी क्या आप ये कह रहे हैं कि 60 साल में जो कांग्रेस ने किया वो तो कांग्रेस के लोगों ने हिसाब चुका दिया, क्या 100 दिन के बाद, 150 दिन के बाद बीजेपी से सवाल नहीं पूछेगी जनता वहां पे, आप ये कह रहे? बिल्कुल, देखिए जनता को पता है, एक मिनट, मैं जनता को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिन विषय को लेकर के चले हैं, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र विचारधारा को लेकर चली है, विकास का विचारधारा को लेकर चली है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इन सभी मुद्दों पर त्वरित गति से कार्रवाई हुई है और हो रहा है, देखिए समय लगता है, ठीक है, क्या हो रहा है,
एक नेता का नाम बता दीजिए जो माननीय नरेंद्र मोदी की तरह ईमानदार और 24 घंटा कंट्रीब्यूट करे अपना समय जीवन लगाने वाला। आपके जो माननीय आपके जो नेता है राहुल बाबा जी, वो उनको जिस प्रकार से आप ला रहे हैं सामने जी, वो हमारे प्रधानमंत्री की तरह एक गरीब घर में पैदा नहीं हुए, वो सोने की चम्मच लेके प्रधानमंत्री का। ठीक है, आनंद साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा आज तक उनको समझ में नहीं आई। आप कह चुके हैं, आप कह चुके हैं जरा कंक्लूड। आलोक जी नहीं समझेंगे कांग्रेस मुक्त होने में देश को देरी नहीं लगेगा। तीन चीजें सामने निकल कर आई। सबसे पहले कांग्रेस मुक्त से ही ले लेते हैं, अभी बाई बहुत कम समय है। बाई इलेक्शन था उसमें देश ने पुनः बाई इलेक्शन में हमारे कोई भी राष्ट्रीय नेता नहीं गए। आप देखिए अभी चलिए साहू जी आपने बोलने दे। देखिए बाई इलेक्शन में दो सीट जीत के अगर कांग्रेस मैं जान रहा हूं पूरा देश जीत लिया। साहू जी आनंद साहू जी जीती तो सपा ना कांग्रेस जीती ना भाजपा। आलोक जी कंक्लूड करें जी। साहू जी मैं जानता हूं आप उस पार्टी से हैं जो बिना किसी मुद्दे के कई घंटे तक नहीं लेकिन डिबेट पार्टी से थोड़ा सा मुद्दे पर आते देश के लिए मरने के लिए तैयार है। थोड़ा सा मुद्दे पर आते हम लोग जो है साहू जी आनंद जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हरियाणा के अंदर 41 कैंडिडेट इनके ऐसे हैं जो दूसरे दलों से इन्होंने लिए हैं। बिल्कुल ठीक है, इनके पास महाराष्ट्र में इनके पास कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर सकें ये लोग। आप देखिए जितने मुद्दे इन्होंने उठाए, तीन चार चीजें भी सामने आपने कौन सी कर दिया मुख्यमंत्री का। हमारा जो मुख्यमंत्री है उसी के नेतृत्व में हम दोनों जगह चुनाव लड़ रहे हैं। जी। इसके अलावा कहीं पर कोई इशू नहीं है। जी। आप मुझे बताइए कि आपने महाराष्ट्र के लिए जो पहले वादे किए थे उसमें से एक बता दीजिए जो आपने पूरा किया है। हरियाणा में आपने क्या वादा किया था चुनाव के समय में, आप एक बता दीजिए। हरियाणा में तो आपने पूरा कर दिया, गुजरात से आप कहीं पर कोई नहीं पाएंगे। आनंद जी पुष्पेंद्र जी बिल्कुल कंक्लूड कर दें। दिलीप जी अभी जरा कंट्रोल करिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोदी जी कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। आज की टिप्पणी सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट की। आपको पता होगा वो जो साउथ लोगों को लिया था उनके ऊपर आरोप लग गया साहू जी। आनंद जी ये गलत किए थे। आनंद जी हमारे पास समय बहुत कम है। पुष्पेंद्र मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए जो स्थानीय मुद्दे हैं, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि देश जानना चाहता है कि पाकिस्तान पे और चाइना पे क्या कर रहा है, मैं कह रहा हूं वो देश को पता है लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बता पा रहे महाराष्ट्र में कि जिस सरकार में मुख्यमंत्री था उनका, जिस एनसीपी के साथ वो 10 साल से थे, वहां गठबंधन क्यों टूटा। अगर भारतीय जनता पार्टी की अना और ईगो इतनी बढ़ गई है, गठबंधन क्यों टूटा है सब जानते हैं। अरे भाई आप शरद पवार जी ने 15 मिनट के बाद जैसे बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटा है, आलोक भाई शिवसेना ने पूरी तरह से गठबंधन कांग्रेस ने नहीं टूटा तोड़ा है। और कोई सवाल पूछा जाता है तो भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे। सीनियर जर्नलिस्ट भी अगर इस तरह का सवाल पूछेंगे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट बायस हैं। अब आलोक भाई आप बात ही नहीं कहने देंगे। मैंने तो आप गलत बात कह रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं। अरे मैं क्या, आप आरएसएस के प्रवक्ता की तरह राहुल गांधी जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। आलोक भाई ये डायलॉग आपका पुराना हो गया है, आप हर पत्रकार पे इस्तेमाल करते हैं। हर पर नहीं करता हूँ, चुनिंदा कुछ लोग शैली देंगे। आरएसएस के पत्रकार उसको छोड़ के मुद्दे पे आते हैं। दिलीप अगर भारतीय जनता पार्टी की अना बढ़ गई है, ईगो बढ़ गया है, अति उत्साह में है, तो भाई पूछ रहा हूं कि चुनाव की पूर्व संध्या पर जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को कंधे में बैठा के घूम रहे थे उससे गठबंधन क्यों टूटा आपका। अभी वहां चुनाव होने वाला है, एनसीपी के साथ आप धर्मनिरपेक्षता के नाम पे साथ थे, क्यों टूटा। इसमें आरएसएस का प्रवक्ता कहां से आ गया। और जो बार बार बात ये कह रहे हैं कि बिहार में क्यों टूटा बीजेपी का, तो बता दीजिए, बीजेपी का भी सवाल कर लीजिए। आप सवाल एक ही पार्टी से करते हैं तो मेरा बयान रहा भाई, आप बोलने नहीं देंगे। आपने तय कर लिया है कि आप जो है बीजेपी की तरफ से बिहेव करेंगे। मेरा सवाल यह है कि 2000 हमें माफी चाहते हैं। राजीव गांधी के जमाने 412 सीटें मिली थी, इतने अच्छे काम करते करते पिछले कई सालों में आप 44 पे आ गए हैं। आप अच्छे अच्छे दिनों और अच्छे कामों का तो ब्यौरा बताइए कि आप 44 पे आके टिक गए। 412 अच्छे कामों का ब्यौरा दे रहे हैं, देश समझने लगा है। टिक गए आप, देश समझने लगा है। अरे बीजेपी ने तो अभी शुरुआत की है, इनसे भी 10 साल बाद सवाल कीजिएगा। आप तो 40 साल की बात छोड़ दीजिए, आप तो 412 से घटकर 44 पे आ गए। बीजेपी ने तो कहा था अच्छे दिन आ रहे हैं, नहीं वो आएंगे। आप दे दीजिए बीजेपी के,
आ गए। बीजेपी ने जो कहा था वो देश तय करेगा, और बीजेपी ने अगर गलत कहा था और बीजेपी झूठ बोल रही है और सपने बेच रही है, कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठाया, अपने भाजपा के गठबंधन पर सवाल क्यों नहीं उठाया? चलिए कांग्रेस और भाजपा गठबंधन के बाद, असल में मनमोहन सिंह और मोदी दोनों के सपने खत्म होंगे। आपकी समस्या ये है, चलिए 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 एक छोटा सा, और लोगों के सपने जागे। हमारे पास हमारे पास समय कम है, और एक और अहम खबर है जिस पे हमें चर्चा करना है। कैलाश सत्यार्थी जी को पीस शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला है, और पाकिस्तान भारत की तरफ से ये है, पाकिस्तान के मलाला को। सबसे पहले चोपड़ा साहब, आपकी टिप्पणी बहुत कम शब्दों में। नोबेल प्राइज जो है, आप जानते हैं, विश्व की बड़ी प्राइज है, लेकिन वो ऐसी चीज है, उसने पैलेस्टाइन और इसराइल को भी दिया है, उसने हर तरह के इनाम दिए हैं, और इस बार सत्यार्थी जी और मलाला को मिल गया है जी। लेकिन बॉर्डर पे क्या हो रहा है? तो ये जो नोबेल प्राइज है जी, ये एक पॉलिटिकल प्राइज है, उसमें दलाई लामा को भी मिल चुकी है, मदर टेरेसा को भी मिल चुकी है जी। पर मेरा यह कहना है कि जो नोबेल प्राइज है, उससे हम ये नहीं आंक सकते कि देश या दुनिया की शांति के लिए आपने क्या किया है जी। ये उनके दिमाग की बात है, उनकी कमेटी होती है छोटी सी, वो चुनती है, उन्होंने इनाम दे दिए। और इस बार मैंने देखा है जितने भी लोगों को जो लिटरेचर की नोबेल प्राइज भी मिली है जी, जनरली अनजान लोगों को मिली है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अनजान लोगों से हम एक नए रुख में पहुंचेंगे दुनिया में। चलिए आलोक जी, देखिए बहुत बड़ा प्राइज है, और आज हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जो है, एक एक जनमानस इस पर फक्र कर रहा है कि हमारे एक देश के किसी भी व्यक्ति को शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला है जी। और उसके अंदर जो नोबेल प्राइज दिया है कमेटी ने, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नोट की है जो शायद आज मीडिया ने नहीं उठाई है। उसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी जी के प्रयासों को जिस तरह से आगे बढ़ाते हुए कैलाश सत्यार्थी जी ने जो कार्य किया है, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो गांधी जी का नाम आना, हिंदुस्तान का नाम आना, ये आज देश के लिए गर्व है। और चाहे पाकिस्तान के साथ हमारे कूटनीतिक रिश्ते किसी भी तरह के रहे हों, एक बच्ची जिसने धैर्य दिखाया, जिसने साहस दिखाया, उसको आज इस प्राइज में इंक्लूड किया गया है। मैं चाहता हूं उस बच्ची को भी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी अपनी बधाई देती है, और विश्व में इस तरह के काम आगे होते रहें। चोपड़ा साहब की अपनी कुछ सीमाएं हो सकती हैं सोचने की, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। आनंद साहू जी, निश्चित रूप से दिलीप जी, ये पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का ये अनुभूति कराता है। अच्छी बात ये है कि आलोक जी और आपकी भाषा विश्व के सबसे, एक तरह से बहुत सम्मान का जो है ये समय है कि इतना हमारे देश के नागरिक को नोबेल प्राइज से नवाजा गया, क्योंकि इस प्रकार का नोबेल प्राइज जिसको भी मिला है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं इसके हकदार थे, तभी उनको इस नोबेल प्राइज। बिल्कुल बिल्कुल, धर्मानी साहब जी, गांधी के नाम पे तो मिल गया, लेकिन गांधी को कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला था, ये भी हमें याद रखना। मुझे ये लगता है कि इसमें कोई शक नहीं, जिन्होंने प्राइज जीता उनको बधाई तो दी जानी चाहिए, बिल्कुल, और देश के लिए भी गर्व हो सकता है। परंतु इसमें जो अभी चोपड़ा जी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे की मंशा जानने की आवश्यकता है। जो प्राइज दिया गया वो शांति के लिए दिया गया, और वो काम कर रहे हैं बच्चों के अंदर जी। तो ये जो एक कंट्राडिक्शन है जी, ये क्यों है? जो उन्होंने बात कही, इसके पीछे की जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसको समझने की भी आवश्यकता है। चलिए, हमारे देश में लेकिन जिन लोगों को आप बधाई के साथ इसको बात, बधाई के साथ साथ मैं उसके उनके किसी वर्क के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, उस फील्ड का दिया जाता तो शायद उनकी मंशा, नोबेल प्राइज वालों की मंशा समझ में आती। नहीं देखिए धर्मानी साहब, बात सही कह रहे हैं, ठीक है, हम तमाम सारे लोग यकायक एकदम लगता है कि नोबेल प्राइज मिल गया है तो हमको बाहर दुनिया ने कोई सर्टिफिकेट दे दिया है पीस का, इस हिंदुस्तान का दुनिया एक व्यक्ति जो गरीबी के लिए रहा है वो किसी से कम नहीं रहा। लेकिन सवाल ये भी देखें कि कैलाश सत्यार्थी को अवार्ड देते वक्त कहा गया कि ये एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ काम करते हुए, मलालाओं ने एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ जो काम किया है उसके तहत, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को छुड़वाने और बंधुआ मजदूरों को छोड़ने के लिए पीस का क्या संबंध है। मुझे लगता है इस अवार्ड के पीछे की राजनीति फौरी तौर पर नजर आती है,
लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आने के बाद जिस तरीके से कोई 8000 से ज्यादा एनजीओ के ऊपर बैन लगाने की कोशिश की है, जो भारत के अंदर चाहे वो न्यूक्लियर का मामला हो, चाहे भारत के सिस्टम में अराजकता फैलाने का मामला हो, ये दुकानें जो खुली हुई थी उसके बंद होने के लिए कहीं एक मैसेज दिया है कि हम ऐसे लोगों को भी अवार्ड दे सकते हैं जो काम तो बच्चे छुड़ाने का करेंगे लेकिन वो पीस की शक्ल में अवार्ड लेंगे। इसके पीछे मुझे राजनीति लगती है। कैलाश सत्यार्थी को अवार्ड मिला है, मुबारकबाद, लेकिन इस पर इतना बड़ा खुश होने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे की राजनीति को समझने की जरूरत है। चलिए हरिकेश बहादुर जी, लास्ट वर्ड। लास्ट में तो मैं यही कहूंगा कि कैलाश जी को और मलाला यूसुफजई दोनों को मेरी ओर से बधाई है जी। लेकिन मैं ये बात जरूर मानता हूं कि नोबेल पीस प्राइज जब ओबामा को दिया था, प्रेसिडेंट ओबामा शांति के लिए, शांति के लिए, तो तब तक उन्होंने शांति के लिए कौन सा काम किया था? और ओबामा ने खुद इस बात को लेते हुए, इस पीस प्राइज को लेते हुए कहा भी था कि मुझको जो मिला है मुझे खुद लगता है कभी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। तो इस तरह से जो पीस प्राइज दी जा रही है, मृत्यु के बाद भी दी जाती है, अभी महात्मा गांधी की बात कहा सुनी जी ने कि महात्मा गांधी के नाम पर मिला है लेकिन महात्मा गांधी को नहीं मिला, तो उस पर मुझे सिर्फ इतनी सी बात कहनी है जी कि मृत्यु के बाद तो दिया तो जाता है प्राइज इस तरह का, किसी को भारत रत्न मिलता है, किसी को नोबेल प्राइज मिल सकता है, किसी कुछ मिलेगा, लेकिन अगर कोई महात्मा बुद्ध को पीस के लिए दे तो आप क्या कहेंगे? इसलिए महात्मा गांधी महात्मा गांधी उस वक्त जिंदा थे, उनको नहीं दिया, ले गए, दे भी तो भारत को उसे नहीं अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि उससे ऊपर है वो, उससे ऊपर नोबेल प्राइज कुछ नहीं है उन लोगों को। जिस डायनामाइट को बेच करके उसके इंटरेस्ट से अवार्ड दिया जाता है, महात्मा गांधी उससे 1000 गुना ऊपर है, उनको अवार्ड दे करके नीचे ना करा जाए। महात्मा गांधी इस अवार्ड के नहीं है और महात्मा गांधी शांति नहीं है, अवार्ड बनने से पहले महात्मा गांधी इस दुनिया से चले गए थे भाई। बिल्कुल जी, पहली बार जब सत्य कैलाश नोबेल प्राइज का नाम सुना नॉमिनेट हुए तो मुझे लगा कि बचपन बचाओ ये सब आंदोलन करते हैं और बच्चों को बचाने के लिए आप नोबेल प्राइज थोड़ा सा नोबेल प्राइज के खासतौर से पीस के, एक मिनट, मुझे लगा चलो भारत के नागरिक के मामले में जो नोबेल प्राइज अब दिया जा रहा है उसमें कहीं कहीं कुछ राजनीति जरूर है देने वालों की, उसमें कुछ देशों का प्रभाव भी उस पर दिखाई देता है। दिलीप आपको याद होगा ये मैग्सेसे अवार्ड जो हिंदुस्तान में जितने लोगों के मिले हैं, इन सब की कार्रवाइयां देख लें, इन सब की हरकतें देख लें, ये पूरे देश में अराजकता फैला रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, ये मैग्सेसे अवार्ड देकर भी लोगों को महान बनाया जा रहा है। उन्होंने जो 80,000 से ज्यादा बाल श्रमिक को मुक्त किया उसके लिए लड़ाई लड़ी, इन चीजों को सराहना की भी आवश्यकता है। और कभी अगर देश नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी इसको सराहा जाता तो शांति है, तो मुझे समझ में नहीं आया। शांति से इसके कई क्षेत्र में दें जी, समाज सेवा के क्षेत्र में कई सारी चीजें हैं, इससे गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि और दूसरी सामाजिक समस्याओं को जोड़ के इसको देखा गया है। खैर फिलहाल हमारे पास समय खत्म हो गया है। आलोक जी, सुनील चोपड़ा जी, पुष्पेंद्र जी, धर्मानी जी, हरिकेश जी, आप सबका और आनंद साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।